अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, अगर आप 2D 3D एनिमेशन वीडियोस बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सॉफ्टवेयर शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। आप लोग उस सॉफ्टवेयर के अंदर ना सिर्फ वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बल्कि साथ ही साथ 2D 3D एनिमेशन टाइप वीडियोस भी बना सकते हो। और आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों टेम्पलेट्स, हजारों इमोजीज, हजारों आइकन्स वगैरह सब कुछ वहां पर फ्री में मिलेगा। सो इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखें क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं createstudio.com। यहां पर आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि इसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जहां पर आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको तमाम बेसिक चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि किस टाइप की आप यहाँ पर वीडियोज बना सकते हो, किस टाइप की आप यहां पर वीडियोस एडिट कर सकते हो, 2D 3D एनिमेशन टाइप वीडियोस बना सकते हो और एडवर्टीजमेंट टाइप वीडियो बना सकते हो। यहां पर आपको ऑल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद यहां पर आपको सारा कुछ देखने को मिला है। आपको इस सॉफ्टवेयर की मेन खूबी बताऊं कि आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको तमाम फ्री इमेजेस, फ्री वीडियोस जो कि दूसरी वेबसाइटों पर पड़ी होती हैं वो यहां पर आप यूज़ कर सकते हैं और आपको उन वेबसाइटों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि डायरेक्ट आपको इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ पर इनकी कुछ वीडियोज़ हैं जो कि इसी से रिलेटेड हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पर इसके तमाम फीचर हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर इसकी प्राइसेस मेंशन की गई हैं कि किस किस प्राइस का ये सॉफ्टवेयर है और किस किस टाइम के लिए और क्या कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर इनके तमाम ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको यहाँ पर बाय नाउ या यहाँ पर बाय क्रेडिट स्टूडियो पर या इस पर क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप अपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने बाय कर लेना है। बाय करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपने इसको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको आपके ईमेल पर कुछ रजिस्ट्रेशन की सेंड की जाएगी, वो आपने यहाँ पर इंटर करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है। और मेरे पास यहाँ पर एक्टिवेटेड ये आ चुका है और यहाँ पर इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि टेम्पलेट के अंदर मुझे एक टेम्पलेट दिए गए हैं कि मैं इन टेम्पलेट पर भी काम कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं बने बनाए टेम्पलेट के ऊपर कुछ चेंजिंग्स करके काम करना चाहता हूँ, डिवाइस से रिलेटेड है, फेसबुक इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, फेसबुक कवर से रिलेटेड है, लाइव से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, कुछ भी हो यहाँ पर सारा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, उसके बाद आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर होम पर, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जब भी आप इसमें फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपने प्रोजेक्ट का साइज सेलेक्ट करना है, 720p, 1080p या 480 या जो भी हो। फेस स्टोरी डिजाइन करना चाहते हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की वीडियो डिजाइन करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप उसका बैकग्राउंड जो भी रखना चाहते हैं वो, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट न्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स नॉर्मली ये तो है आप लोगों के सामने इस तरह से जैसे एक नॉर्मल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा फीचर ऐसे हैं जो कि आप लोगों को दूसरे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों को बताते चलूं कि यहां पर स्टूडियो पर आप क्लिक करें। स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां पर देखें सीन्स के अंदर 3D सीन्स मिल रहे हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर दोबारा होम पे आने के बाद आपको यहाँ पर करेक्टर मिल जाते हैं, 3D करेक्टर हैं यहाँ पर जो कि बिल्कुल यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये जनाब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कलरफुल हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फिर मैं होम पर आता हूँ, ये ट्रांजेक्शन हो गई, आइकन्स हो गए, बैकग्राउंड हो गए, इमोजीज हो गई, डिवाइस, सोशल, यहाँ पर काफ़ी कुछ। अगर बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ 3D बैकग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आप अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो और इनके आगे आप वो करेक्टर यूज़ करते हुए 2D या 3D टाइप वीडियोस भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सारे के सारे इस तरह से हैं। जब आप इनके ऊपर माउस को लेके आएंगे ये आपको बताएंगे कि ये किस तरह से बोलेंगे, क्या करेंगे, और आप इनको अपने माउस की मदद से भी सेट कर सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद होम के बटन पर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। ये सारी चीज़ें तो होगी जो आपको स्टूडियो के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर आप मिसाल देता हूँ कि आपने जनाब कोई भी वीडियो यहाँ पर मैं यहाँ पर वीडियो को इम्पोर्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं अगर कोई वीडियो मेरे पास पड़ी हुई तो इम्पोर्ट मीडिया पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास कोई वीडियो पड़ी हुई है तो मैं उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आया और जी यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट मीडिया के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास वीडियो आ चुकी है। अब इस वीडियो को उठाकर मैंने यहाँ पर लेके आना, ये वीडियो आ चुकी है। नीचे यहाँ पर हमारे पास टाइमलाइन में हमारी वीडियो आ चुकी है, इसको हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर मोशन कर सकते हैं,
यहाँ पर जूम, ये सारे इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं, एडवांस इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बॉर्डर, शैडो, रिमूव कलर, जो कुछ भी हो इसकी सेटिंग वगैरह, ओपेसिटी, जो कुछ भी हमने सेट करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने ये कर लिया, अगर हम इसके ऊपर कुछ इमेजेस यूज करना चाहते हैं, कुछ वीडियोस यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, और अगर मुझे कुछ यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ आइकन वगैरह हैं ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और अगर मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी या कुछ वीडियोज चाहिए होंगी, यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइसेज, ये वो सब कुछ मैं मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों के पास वीडियोज नहीं है, आप लोगों के पास इमेजेस नहीं है, आप फ्री की इमेजेस, फ्री की वीडियोज को यूज करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च के साथ यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी पर आपने क्लिक करना। अब यहाँ पर आप लोगों को मजे की चीज जो मुझे इस सॉफ्टवेयर की लगी है वो यही है, यहाँ पर आप लोगों को हर टॉपिक से रिलेटेड हजारों के हिसाब से इमेजेस, वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी। और ये नहीं है कि आपको पहले उसको अपने मीडिया में या अपने गैलरी में डाउनलोड करना पड़ेगा, बल्कि डायरेक्ट यहाँ से आप अपनी उस वीडियो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो और आपको उस वीडियो के लिए किसी इमेज या किसी वीडियो क्लिप की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप जस्ट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चाहिए तो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जिस वेबसाइट से ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, ये जो भी आप सेलेक्ट करो, और यहां से आपने जस्ट इस तरह करना, देखें यहां पर इस पर आपने क्लिक किया, इंपोर्ट वीडियो पर क्लिक किया, यहां पर इंपोर्टिंग होने के बाद आपके वहां पर ये आ जाएगी मीडिया लाइब्रेरी में, और वहां से आप अपनी वीडियो के अंदर इसको यूज करते हुए इजीली एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, और यहां से आप हजारों नहीं लाखों के हिसाब से इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज ले सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। ओके हो गया। यहां पर ये हमारी वीडियो आ चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है, यहां पर ये देखिए पड़ी हुई है, इसको मैं यहां पर ला सकता हूं, यहां से उठाया, ये मेरी वीडियो आ गई। अब इसके ऊपर अगर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूं तो यहां पर टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, और अगर यहां पर मुझे इसके ऊपर कुछ ये चीज़ें वगैरह लगानी है, कुछ आइकन वगैरह लगाने हैं, कुछ भी चीज़ें यूज़ करनी है, तो यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, उसको बिल्ड कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो बना सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पर 2D 3D एनिमेशन टाइप वीडियोज़ बना सकते हो, एडवर्टीजमेंट टाइप वीडियोज़ बना सकते हो, शॉर्ट वीडियो एड बना सकते हो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सारे कुछ मिल रहा है, करेक्टर्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। सो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोज़ को बेहतरीन क्वालिटी दे सकते हो। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।